This is Brand Max Network India and you are watching News India Now. अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने का विरोध करना एक पिता पुत्र को भारी पड़ गया। दबंगों का कहर इन बाप बेटे पर ऐसा टूटा कि पिता की जान चली गई और बेटे को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। मामला थाना रिसिया इलाके का है, जहां गांव के ही दबंगों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया और बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई से मरणसन न हो चुके पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया। वही बेटा गंभीर रूप से घायल है। आरोप है कि ये दोनों अवैध शराब बनाने और बेचने का विरोध करते आ रहे हैं थे, जो दबंगों को बर्दाश्त नहीं था। वही पुलिस इस मामले को पुरानी रंजिश में हुआ संघर्ष बता रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जाकी आलम की न्यूज इंडिया नाउ के लिए रिपोर्ट। शराब बनाने का हम लोग रोक रहे थे कि शराब बेचोगे तो ये गांव में बहुत हंगामा होगा। ये सर हमारे पिता को ये गाली वाली दिया, शराब बेच रहा था बना के, वहाँ पे हंगामा किया हमारे पिता ने, तो मेला राम सनोही मथुरा और यहाँ पुजारी ये मार के गिरा दिया। उठे उसमें जो है पुरानी रंजिश से पहले से थी। कल रात में दोनों पक्षों में, ये हरी राम और मथुरा, इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई और थाने में बात आई तो उसमें दोनों तरफ से NCR कायम हुआ है और जो घायल हुआ था उसको सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है रांची में। और अब ये सूचना मिली है कि उनकी वो एक्सपायर कर गए हैं, तो आगे अब विधिक कार्रवाई होगी और जो भी समुचित धाराओं में उसको अल्टर करके NCR को आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.